एवरीवन, नमस्कार, जय श्री माँ काल, जय शिव शक्ति, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप सब आप अभी सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे एंड खुश होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साप्ताहिक राशि पर। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर। देखिए आपके लिए ये सप्ताह कैसे होने वाला है, ये सप्ताह में आपकी एनर्जी कैसे होने वाली है, ये सप्ताह में क्या प्रेडिक्शन आपके लिए होने वाला है। तो जैसे कि आपके लिए एनर्जी दिखाई देती दे रही है कि काफी ज्यादा आप चीजों को लेके सोच रहे हो, कुछ नई चीजों को लेके सोच रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी परचेसिंग करने के बारे में चीजों को लेके सोच रहे हो, चीजें दिखाई देती दे रही है। बाकी अदरवाइज चीजें कई बाहर ट्रैवलिंग हो सकता है, कई ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो। काम को लेके, फाइनेंशियल को लेके काफी ज्यादा परेशानी आपको ये टाइम पे नहीं आएंगी, पर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यू हो सकती है। मतलब आप काम करते करते आपको ऐसे हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपकी थकावट या फिर थोड़ी सी एनर्जी आपकी डाउन हो सकती है, जिसके कारण आप काम ना कर पाए, ये वाली चीजें हो सकती हैं। बाकी काम के लिए एनर्जी अच्छी है, फाइनेंशियल आपकी ठीक रहेगी। रिलेशनशिप को लेके चीजें देखी जाए तो रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप काफी एनर्जी अच्छी दिखाई देती रही, कोई भी इशू नहीं होगा। अगर कोई लाइफ में पार्टनर आता तो चीजें अच्छी रहेगी, पर अगर कोई बहुत टाइम से अगर कोई लड़ाई, कुछ चीजें अगर उलझने में चीजें चल रही है, वो चीजें और बढ़ सकती है, इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सडनली कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है कि जिनके कारण आपकी लव कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, जैसे कि लाइफ में नया पार्टनर आते दिखाई देते दे रहा है। काम के लिए काफी चीजें आपकी आगे बढ़ेगी, काम ज्यादा रहेगा ये सप्ताह में, काफी ज्यादा ओवरलोड काम का जो है थोड़ा सा जो है बोझ हो सकता है, इन चीजों से थोड़ा सा परेशान जरूर रहेंगे। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये सप्ताह में, कि क्या होने वाला है आपके लिए ये सप्ताह में आपकी एनर्जी। तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, उससे चीजें आपकी ठीक रहेगी। एंड जो भी चीजें आपकी अभी हो रही है, न्यू फ्यूचर में आपको काम आने वाला है, एंड अबंडेंस दिखाई देते दे रहा है, तो चीजें आपकी काफी अच्छी दिखाई दे रही है काम को लेके, तो इस टाइम थोड़ा सा जो है काम पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले राशिफल के और वृषभ राशि वाले के लिए। चलो वृषभ राशि वालों के लिए चलिए जानते हैं कि ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, क्या होने वाला है ये सप्ताह की एनर्जी। तो कुछ ऐसी चीजें दिख रही है, घर से काम, काम से घर, कुछ बाहर जाने के बारे में भी चीजें सोच रहे, पर कुछ ना कुछ पैसे को लेकर दिक्कत दिख रही है। कहीं पार्टनरशिप कर सकते हैं, किसी की हेल्प लेके काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बट ये चीजें होगी कि फैमिली वालों को टाइम ज्यादा देंगे, फैमिली के लिए ज्यादा टाइम रहेगा, फैमिली वालों की वजह से कहीं ना कहीं आप काम के लिए आपकी एनर्जी ज्यादा नहीं दिख रही, काम के लिए एनर्जी कम दिख रही है। कोशिश कर सकते हैं काम के लिए, पर काम नहीं होगा। बट बात ये दिखाई देती दे रही है आपकी किंग ऑफ कप में कि आप जो भी बात करेंगे, जो भी जिससे भी कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत कम टाइम पे अच्छी सोर्स थोड़ी कमा सकते हैं, ये वाली चीजें आपकी होगी। अदरवाइज चीजें देखी जाती है आपके लिए लव कम्युनिकेशन के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो रिलेशनशिप के लिए कहीं अच्छी एनर्जी दिखाई देती दे रही है। जैसे कि आप कहीं किसी की शादी की बात अगर आपके फैमिली में चल रही है तो वो बात हो सकती है, एक न्यू रिलेशनशिप दिख रहा है बहुत तेजी से, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक सडनली कोई रिश्ता होते हुए दिख रहा है, ये वाली चीजें होगी। एंगेजमेंट की बात या फिर कहीं ना कहीं शादी की बात आपके लाइफ में होती हुई दिख रही है, जो न्यू कपल्स है जो शादी के बारे में सोच रहे उनके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए ये चीज होगी। हेल्थ ठीक नहीं दिखाई दे रही, हेल्थ मुझे पहले भी दिखा था कि थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। हेल्थ मीन्स कि आपके बॉडी पेन या फिर सर में दर्द, बोलते ना कि थोड़ा वायरल फीयर, ये चीजें रहेगी, थोड़े से ब्लड रिलेटेड इशू रहेगी, ये चीजों पे ध्यान दें, तो काफी चीजें दिखाई देती दे रही कि जिनके कारण थोड़े परेशान हो सकते हैं वृषभ राशि वाले। बाकी अदरवाइज रिलेशनशिप की बात की जाए तो कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं परिवार को लेके, थोड़ा सा जो है आपका शॉर्ट टाइम जो है थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं बाहर जाने का माहौल दिखाई देते दे रहा है, इन चीजों थोड़ा दिखाई देती दे रही, इन चीजों को लेकर आप थोड़े आगे रहेंगे। एंजल्स मैसेज जानते हैं कि आपके लिए क्या रहेगा, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स मैसेज आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो जैसे कि रोमांस का कार्ड दिखाई दे रहा है, जैसे कि कपल्स के लिए जो चीजें दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं पार्टनर के ऊपर ध्यान रहेगा, रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए, कहीं ना कहीं रास्ते खुल जाएंगे, काम को लेके चीजों को लेके काफी सीरियस रहिएगा। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वालों के लिए चलिए जानते हैं कि ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, क्या होने वाला है ये सप्ताह की आपकी एनर्जी। जैसे कि एनर्जी आपकी काफी ज्यादा दिखाई देती दे रही, फाइनेंशियल को लेके चीजें दिखाई देती दे रही, कहीं ऐसे हो सकता है कि आपको खुद होके पैसे को लेके आपको कुछ चीजें करनी पड़ सकती है, कुछ चीजें परचेसिंग करने के बारे में सोच रहे, शायद प्रॉपर्टी के बारे में चीजें दिखाई देती दे रही है, प्रॉपर्टी के लेके चीजें आपकी हो सकती है, प्रैक्टिकल होके चलोगे, कुछ अच्छी चीजें होगी, कुछ बाहर जाने का आपका मन दिखाई दे रहा है मुझे मिथुन राशि वालों के लिए।
खास करके ये भी चीजें दिखाई दे रही है, कुछ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ चीजें आपकी होगी। अगर बात की जाए आपके लव कम्युनिकेशन के लिए, तो आप जैसे आप वैसे ही आपके पार्टनर भी हैं, शायद शादी की बात चल रही तो घर वालों की तरफ से हाँ करके चीजें हो सकती है, आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, परिवार में आपकी जो है लव कम्युनिकेशन से चीजें हो सकती है, शादी के लिए चीजें दिखाई देती थी। तो शादी की मैरिज की अगर आपकी बात चल रही तो डेफिनेटली शो करके हाँ करके चीजें दिखाई देती रही मिथुन राशि वालों के लिए। रिलेशनशिप वाइज काफी अच्छी गुड एनर्जी है, रिलेशनशिप में कोई भी इशू ये हफ्ता में नहीं है, रिलेशनशिप काफी अच्छा चलेगा। जिनके लाइफ में पार्टनर नहीं है उनके लाइफ में भी पार्टनर आते हुए दिखाई देते दे रहे हैं। अगर बात की जाए हेल्थ रिलेटेड हेल्थ इशू की, तो ये सप्ताह में आपके लिए हेल्थ इशू बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़े रुकवा सकती है, कुछ चीजें रुक रुक के चलेगी। अभी ये है कि परफेक्ट टाइमिंग है कुछ नई चीजें कुछ करने का, कुछ नई चीजें आप सोच भी सकते हो कुछ कर भी सकते हो। और जो साइंस जो है मतलब कुछ चीजें आपको कुछ एक लकी इमेजिन या फिर कुछ लकी चीजें ऐसे कुछ दिखाई देंगी, तो वो चीजें आपकी शायद हो सकती है। आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन पावर से कुछ ऐसी चीजें दिखाई देगी जो होती हो, तो ये चीज आपकी हो सकती है। आपकी जो भी चीजें आपने मैनिफेस्ट की होगी तो वो चीजें आपकी हो सकती है। तो मिथुन राशि वालों के लिए तो ये चीजें डेफिनेटली आप जो है ध्यान देके जो है चीजों को लेके शो करिएगा। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, ये सप्ताह में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो जस्ट लव फीलिंग्स के लिए आपकी एनर्जी काफी ज्यादा शो करती हुई दिखाई देती दे रही है। काफी लव कम्युनिकेशन में चीजें जो है आपकी अच्छी होगी, कुछ अच्छी एनर्जी कन्वर्ट होती हुई दिखाई देती दे रही है आपकी लव फीलिंग्स के लिए। एंड काम के लिए कहा जाए तो कुछ चैरिटी कीजिए, पैसे को लेकर चीजें सोचती हुई दिखाई देती दे रही है। पैसे को लेकर चीजें काफी चीजें सोचेंगे, जितने पैसे आएंगे उतने खर्च भी होगी, मतलब पैसे तो आ ही रहे हैं। ये चीजें इस सप्ताह में हो सकती है, खास करके ये चीजें हुई, कोई भी चीजें अगर आपकी रुकी हुई होगी, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ भी चीजें ये हो सकता है ना कि कुछ चीजें का डिसीजन अभी तक ना मिला, तो वो चीजों का डिसीजन आपको डेफिनेटली ये सप्ताह में मिलेगा। थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर अगर काम करते हो चीजें आपकी ठीक रहेगी, बाकी अदरवाइज आपको मेडिटेशन करना जो है काफी जो है ये सप्ताह में ठीक हो सकता है। कई धार्मिक स्थल पे जो है आप जा सकते हैं, ट्रैवलिंग दिख रहा है। बाकी भी अगर चीजें देखी जाए तो थोड़ा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन आपका ये सप्ताह में होगा कर्क राशि वालों के लिए। तो ये चीजें दिखाई दे रही ये सप्ताह में। चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह में जो है एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये सप्ताह में। तो जो भी चीजें कर रहे अभी जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फैमिली वालों का सपोर्ट मिलेगा, विद इन 5 वीक तक चीजें जो आप करना चाहते हैं वो चीजें आपकी हो सकती है। और आप तैयार रहिएगा कुछ नए काम के लिए, कुछ नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। ये चीजें अगर आप कर दे तो आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए सिंह राशि वाले। सिंह राशि वाले चलिए जानते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए क्या एनर्जी लेने वाली, कैसे होने वाला है ये सप्ताह में सिंह राशि वालों के लिए। हेल्थ इश्यू दिखाई देती दे रही, खास करके जो सिंह राशि वाले हैं जिनके लिए काफी ज्यादा अगर हेल्थ को लेके आप ठीक नहीं है तो आपके लिए हेल्थ इश्यू आएगी। ये चीजें हो सकती है खुद के बहुत सारी चीजें करनी पड़े, कहीं बाहर जाने की चीजें सोच रही, कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशनशिप में चीजें आपकी ठीक है, कुछ इश्यू नहीं है, पर ये है कि पैसे खर्च करने का मन नहीं होगा। ये होगा कि कहीं ना कहीं अभी टाइम है कुछ अच्छी चीजों को खर्च करने के लिए, कुछ चीजें परचेसिंग करने के लिए, पर शायद ना करें। ये वाली चीजें हो सकती है, कहीं ना कहीं प्लेस चेंजमेंट हो रहा है, प्लेस चेंज होने का टाइम दिख रहा है, तो कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपके पासपोर्ट या फिर वीजा का काम चल सकता है, कहीं बाहर जाने का आपको कहीं ना कहीं मन करेगा, ये वाली चीजें होगी। कुछ घर पे गुड न्यूज दिख रही है, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर जीत होगी, कुछ ना कुछ खुशखबरी जो है आपके घर पे आ सकती है जिनके कारण थोड़े आप हैप्पी रहेंगे। पर कहीं ना कहीं आपका नेचर थोड़ा सा इगोस्टिक या फिर कहीं ना कहीं बोलते ना कि अपने जिम्मेदारी को बताने फिर जिम्मेदारी ज्यादा करके निभाने, ये वाली चीजों को लेकर आप थोड़ा आप भी स्ट्रिक रहेंगे, ये वाली चीजें दिखाई दे रही है। पर इन चीजों से इस बार थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो ये वाली सिंह राशि वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो ये चीज ना करें। बाकी चीजें जो फैमिली रिलेशनशिप के लिए चीजें ठीक दिखाई देती दे रही है। मैरिज के लिए अगर बात की जाए तो अभी तो चांसेस नहीं दिखाई देते रहे, पर न्यू लव कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पार्टनर आ सकता है। तो चलिए जानते हैं एंजल्स मैसेज के लिए, एंजल्स मैसेज आपको क्या कहना चाहता है।
तो जैसे कि कुछ भी चीजें आप करने हैं तो आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत है, ठीक है, ये चीजें कर सकते हैं। अभी राइट टाइम नहीं है तो आप कुछ भी डिसीजन ना लें और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सरेंडर कर दीजिए, तो ये चीजें आपको जो है काफी ज्यादा हेल्प करेगी। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, क्या होने वाला है ये सप्ताह में आपकी एनर्जी, तो चलिए जानते हैं। तो कुछ नए जॉब के बारे में चीजें सोचते हुए दिखाई देते दे रहे, शायद नहीं मिल पा रहे, तो चीजें आपकी जो है ये सप्ताह के एंडिंग में आपको चीजें मिलती हुई दिखाई देती दे रही है। काफी ज्यादा थोड़ी सी परेशानी आपकी जर्नी जो है, तो काफी ज्यादा परेशानी में चीजें चल रही है कन्या राशि वाले, बट ये होगा कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा शांत है, स्ट्रिक्ट भी है, आपको पता है कि ये थोड़ा टाइम में निकल जाएगा एंड ये थोड़े टाइम निकल जाने के बाद आपकी चीजें ठीक होगी, आपको सारी चीजें पता है, तो ये आप सारी चीजें को लेकर थोड़ा पेशेंस से होके बैठे हैं। जैसे देखा जाता है कि चीजें ठीक नहीं है, परेशानी में चीजें होगी ये सप्ताह में, बट आप काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे, मतलब ये सप्ताह आप आराम से निकालोगे, शांति से निकाल दोगे। बट ये चीजें रही कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी से अनबन, आप कितनी भी कोशिश करो वो चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी हेल्थ इश्यू रहेगी, ये वाली चीजों से थोड़ा सा बचे, हेल्थ पे ध्यान दे एंड किसी से कम्युनिकेशन करना है तो थोड़ा सा कम कम्युनिकेशन करें, अपने काम पे फोकस दे, ये वाली चीजें ठीक रहेगी। जैसे काम पे ध्यान दे, रिलेशनशिप में ज्यादा ना रहे क्योंकि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, रिलेशनशिप में काफी ज्यादा बोलते ना कि कुछ परेशानी होगी या फिर चीट मिलेगा, कुछ फ्रॉड्स मिलेगा, कई हर्ट होने वाली कंडीशन, या फिर आप ब्लॉक कर दो या फिर सामने वाला ब्लॉक कर दे, ये वाली सिचुएशन लव फीलिंग्स के लिए दिखाई देती दे रही है कन्या राशि वालों के लिए। तो लव कम्युनिकेशन के लिए ये टाइम ठीक नहीं, पर अगर आप जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करें तो जॉब के लिए अच्छी कंडीशन है, बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के लिए काफी अच्छी कंडीशन है, पैसे को लेकर काफी अच्छी आपकी पोजिशन रहेगी, काफी अच्छे आप इनकम सोर्स कमा सकते हैं, ये वाली चीजें आपकी दिखाई देती दे रही है। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या रहने वाला है, एंजल्स मैसेज आपको क्या गाइडेंस देने वाला है। तो जैसे कि चीजें आपकी दिखाई देती दे रही है कि आप जो भी चीजें कर रहे हो वो अच्छी चीज है, ठीक है, अभी राइट टाइम नहीं है, ठीक है, जो भी चीजें कर रहे हो वो सोच समझ के करें अभी के लिए, तो ये चीजें आप जैसे कि आपके लिए एंजल्स मैसेज भी बता रहे, तो आप जो भी चीजें करें तो सोच समझ के काम कर सकते हैं। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए तुला राशि वाले। तुला राशि वाले चलिए जानते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसे होने वाला है, कैसे रहने वाला है आपके लिए ये सप्ताह। तो चलिए जानते हैं, तो ये सप्ताह में आपकी एनर्जी क्या होने वाली है तुला राशि वाले के लिए। तो ये सप्ताह में आपकी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कंफ्यूज, काफी ज्यादा परेशान, करना तो बहुत कुछ चीजें करना चाहते हैं, काम से रिगार्डिंग कहीं बाहर जा भी सकते हैं, पर कुछ पुरानी चीजों को लेके, कुछ फैमिली चीजों को लेके थोड़े से अटक सकते हैं, शायद उसमें आप अटके रहने की कोशिश दिख रही है, पर शायद जहां तक चीजें दिख रही है कि आप इन चीजों को, सारे चीजों को फेस करके आगे बढ़ेंगे, आपके काम को जो है आप थोड़े आगे बढ़ते हुए चीजें दिखाई देती दे रही है। रिलेशनशिप की बात की जाए तो लाइफ में कहीं ना कहीं न्यू पार्टनर आएगा, शादी की बात चल रही है तो कोई थर्ड पर्सन जो है आपकी मैरिज के लिए आपको हेल्प करते हुए दिखाई देते रहे, जिसकी वजह से आपकी हेल्प हो सकती है, बट ये चीज है कि किसी पे जो है थोड़ा बोलते ना कि आग बंद करके भरोसा ना करे, तो ठीक है थोड़ा सा भरोसा कीजिए और थोड़ा सोच समझ के भरोसा कीजिए तो आपके लिए चीजें ठीक रहेगी। मनी वाइज चीजें आपकी काफी सेफ दिख रही है, काफी सारी अच्छी चीजें दिख रही है, हेल्थ थोड़ी इशू हो सकती है, हेल्थ को लेकर थोड़ी सी परेशानी चीजें दिख रही है, हेल्थ को लेकर थोड़ी सी चीजें ऐसी रहेगी कि सर दर्द होना, बैक पेन होना, ये वाली चीजें रहेगी, बाकी चीजें ठीक है। थोड़े टाइम के लिए आपकी थोड़ी सी हेल्थ इशू हो सकती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म नहीं पर थोड़े टाइम के लिए आपकी हेल्थ इशू रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या होने वाला है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो जैसे कि आप जितना हैप्पी रहेगी उतनी सारी चीजें ठीक होगी, लोगों की हेल्प आपको जरूर मिलेगी, तो वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा और तैयार रहिएगा कुछ नए काम को लेकर, तो ये चीजें जो है आपकी बेस्ट रहेगी ये टाइम पे। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वालों के लिए चलिए जानते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसे रहने वाला है, ये सप्ताह आपके लिए क्या मैनेज चीजें जो है आपको लेके आते हुए दिखा देते रहे। तो कुछ ये टाइम जो है थोड़ा सा आपका ऐसे रहेगा कि काफी ज्यादा नेगेटिव, लोगों के बारे में ज्यादा सोचना, जैसे कि आप अपने लाइफ में काफी आगे हैं, काफी बहुत आगे, मतलब अपनी सारी चीजें आप बहुत अपने एक्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, पर कहीं ना कहीं लोगों का जो इंटरफेयर जो है, लोगों की जो बातें वो खत्म ही नहीं होती, ये वाली चीजें दिख रही, तो इन चीजों से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, तो थोड़ा न्यूट्रल रहने की कंडीशन दिख रही, न्यूट्रल रहेंगे, किसी से ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। रिश्ते में थोड़ा सा कहीं गुड न्यूज मिलने की शक्यता दिख रही है, मतलब चांसेस है,
लाइफ में न्यू लव कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में आध्यात्मिक में कनेक्शन दिख रहा है, आपके कुछ सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। जो भी आप चीजें सोची होगी वो चीजें आपकी कंप्लीट होगी, आपके खुद के मेहनत से आपकी खुद की जीत होना जो ये सप्ताह में दिख रहा है। कुछ काम को लेके, कुछ गोल को लेके आपने काफी टाइम से जो चीजें सोची थी वो वाली चीज आपकी होती हुई दिख रही है मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो ये चीज आपके लिए काफी बेस्ट होगी। बाकी जो लोगों की जो थोड़ी परेशानी है वो तो चीजें रहेगी, वो वहां से थोड़ी सी चीजें ऐसी हो सकती है कि आप थोड़ा वहां से डिस्टर्ब हो सकते हो कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, ये वाली चीजें आपकी होगी। और बाकी चीजें ऐसे कि आपके अगर चीजें अगर आप एक साइड पे देखते तो चीजें ऐसी होगी कि लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं, लोग आपकी बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं थोड़े से आपके बारे में बुरा भी बोलते हैं, जो अच्छे भी बोलते तो बुरे भी बोलते, ये वाली चीजें थोड़ी सी दिखाई देगी। और फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग है ये टाइम पे, जैसे कि आपके लिए ये हफ्ता सप्ताह में वृश्चिक राशि वालों के लिए फाइनेंशियल काफी ज्यादा स्ट्रांग है, फाइनेंशियल की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके लिए। कहीं भी अगर पैसे के लिए कुछ काम आता है तो आपके लिए पैसे आते हुए दिखाई देते रहे। काम के लिए ज्यादा टाइम आपका जो है काफी ज्यादा जो है आप टाइम दे सकते हैं, काफी ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा जिसकी वजह से आपकी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही मिलते हुए। एंड जैसे कि आपके लिए चलिए जानते हैं कि एंजल्स मैसेज चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो एंजल्स मैसेज आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो देखो सरेंडर दिख रहा है और कहीं ना कहीं जो चीजें जो आपकी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है 5 वीक तक चलेगी, फिर बाद में चीजें ठीक होगी। अभी कुछ भी बड़ा डिसीजन ना लें जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए धनुराशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे होने वाला है, ये सप्ताह में आपकी एनर्जी कैसे होने वाली है, ये सप्ताह में क्या प्रेडिक्शन आपके लिए होने वाला है। तो जैसे कि आपके लिए एनर्जी दिखाई देती दे रही है कि काफी ज्यादा आप चीजों को लेके सोच रहे हो, कुछ नई चीजों को लेके सोच रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी परचेसिंग करने के बारे में चीजों को लेके सोच रहे हो, चीजें दिखाई देती दे रही है। बाकी अगर चीजें कहीं बाहर ट्रैवलिंग हो सकता है, कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हो। काम को लेके फाइनेंशियल को लेके काफी ज्यादा परेशानी आपको ये टाइम पे नहीं आएंगी, पर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ इश्यू हो सकती है, मतलब आप काम करते करते आपको ऐसे हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपकी थकावट या फिर थोड़ी सी एनर्जी आपकी डाउन हो सकती है जिसके कारण आप काम ना कर पाओ, ये वाली चीजें हो सकती हैं। बाकी काम के लिए एनर्जी अच्छी है, फाइनेंशियल आपकी ठीक रहेगी। रिलेशनशिप को लेके चीजें देखी जाए तो रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देते रहे, रिलेशनशिप काफी एनर्जी अच्छी दिखाई देती रही, कोई भी इशू नहीं होगा। अगर कोई लाइफ में पार्टनर आता तो चीजें अच्छी रहेगी, पर अगर कोई बहुत टाइम से अगर कोई लड़ाई कुछ चीजें अगर उलझने में चीजें चल रही वो चीजें और बढ़ सकती है, इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक सडनली कोई ऐसा पार्टनर आपको मिल सकता है कि जिनके कारण आपकी लव कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, जैसे कि लाइफ में नया पार्टनर आते दिखाई देते दे रहा है। काम के लिए काफी चीजें आपकी आगे बढ़ेगी, काम ज्यादा रहेगा ये सप्ताह में, काफी ज्यादा ओवरलोड काम का जो है थोड़ा सा जो है बोझ हो सकता है, इन चीजों से थोड़ा सा परेशान जरूर रहेंगे। चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये सप्ताह में कि क्या होने वाला है आपके लिए ये सप्ताह में आपकी एनर्जी। तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, उससे चीजें आपकी ठीक रहेगी। एंड जो भी चीजें आपकी अभी हो रही है न्यू फ्यूचर में आपको काम आने वाला है, एंड अबंडेंस दिखाई देते दे रहा है, तो चीजें आपकी काफी अच्छी दिखाई दे रही है काम को लेके, तो इस टाइम थोड़ा सा जो है काम पे ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर जो रहेगा आपके लिए मकर राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, ये सप्ताह में आपकी क्या एनर्जी है, ये सप्ताह आप क्या करने वाले हैं। तो ये सप्ताह की आपकी एनर्जी काफी ज्यादा हेल्थ को लेके काफी रिप्रेजेंट करती है, हेल्थ काफी जो है खराब हो सकती है आपकी मकर राशि वालों के लिए, कुछ नेगेटिविटी काफी ज्यादा दिखाई देती है जिनके कारण आप काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं, कुछ चीजों में फंस सकते हैं, ये भी चीजें दिखाई देती दे रही है। लव कम्युनिकेशन में तो ब्रेकअप होने के चांसेस दिखाई देते दे रहे हैं, तो लव कम्युनिकेशन में शायद आप ही खुद होके जो है स्टॉप एनर्जी दिखाई देती दे रही है कुछ नेगेटिविटी चीजों को लेके। चलो रिलेशनशिप के लिए चीजें ठीक रहेगी, बाकी अदरवाइज चीजें मनी में चीजें भी ठीक रहेगी, जितने पैसे आएंगे उतने खर्च भी करोगे, कहीं ट्रैवल आपका हो सकता है, कहीं बाहर घूमने आप जा सकते हैं थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, कहीं चीजें आपकी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो तो उनको चीजों को ठीक करने के लिए आप कहीं बाहर जा सकते हैं, ये वाली चीजें आपकी हो सकती है। बाकी अगर चीजें देखी जाए तो कहीं ना कहीं घर से जो है थोड़ा माँ का सपोर्ट आपको मिल सकता है, तो माँ से अपनी दिल की बात जो आप शेयर कर सकते हैं, ये वाली चीजें आपकी हो सकती है, माँ से लेके थोड़ा सा आपको डिसीजन लेके चीजें ठीक दिखाई देगी। ये चीज हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप कुछ खुद का कुछ डिसीजन लेते हुए दिखाई देते रहे, कहीं ना कहीं वहां से मूव ऑन होते हुए दिखाई देते दे रहे, जहां पे रह रहे वहां से चीजें आप छोड़ते हुए दिखाई देते रहे जिनके कारण आपकी चीजें ठीक हो सकती है, तो ये आपको लग रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक नहीं है, कहीं अगर आप थोड़ा शिफ्ट करते कोई चीजें को लेके तो और भी चीजें बिगड़ सकती है, तो आप डिसीजन ऐसे ना ले, कहीं भी अगर जाने का डिसीजन बिग डिसीजन ले रहे तो ना ले, आप जहां पे है वहां से आपकी चीजें जो है ठीक हो सकती है।
चलिए जानते हैं कि आपके एंजल्स मैसेज क्या कहते हैं, एंजल्स मैसेज आपको क्या कहना चाहते हैं, ये आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आते हैं। तो टेक अ एक्शन, जैसे कि एक्शन लेने की जरूरत है, जैसे आप डिसीजन ले रहे तो शायद का वो एक्शन ठीक रहे। प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कर रहे, ठीक है। अभी सही टाइम नहीं है, जैसे कि नो का कार्ड दिखाई देते रहे तो अभी सही टाइम नहीं है, तो आप एक्शन ले, पर कुछ नई चीजों को लेके एक्शन ले। कहीं अगर डिसीजन ले रहे कुछ चीजों छोड़ने का तो अभी डिसीजन ना ले, अभी डिसीजन ठीक नहीं है। कुछ नई डायरेक्शन को थोड़ी सी जाके जो है आप थोड़े टाइम के लिए जाके आ सकते हैं, पर परमानेंट चीजें ना करें तो ठीक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है आपके लिए ये सप्ताह की एनर्जी। तो ये सप्ताह में कहीं ट्रैवल दिखाई देते दे रहा है, पता नहीं क्यों बाहर जाती हुई एनर्जी काफी ज्यादा दिखाई देती दे रही। कुछ पैसे को लेकर थोड़ा सा आपकी चीजें होगी, कुछ दान धर्म में चीजें जा सकते हैं, चैरिटी हो सकती है। कुछ फाइनेंशियल को लेकर काफी चीजों को लेकर सोचेंगे, कुछ डिसीजन लेने का मन कर रहा है, कई बाहर ट्रैवल बहुत बड़ा ट्रैवल करने का मन होते हुए दिखाई देते रहे, ये वाली चीजें होगी। शादी की बात चल रही है तो डेफिनेटली हाँ करके असर आएगा। कुछ प्रॉपर्टी खरीदे कर रहे हैं तो उसके लिए भी चीजें होगी। कुछ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ चीजें खराब हो चुकी है तो वो चीजें भी सॉल्व हो सकती है। कहीं पार्टनरशिप हो सकती है, छुपके से काम करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, पर आपकी चीजें जो है बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई देती है। काम के रिगार्डिंग काफी अच्छी चीजें रहेगी, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, टीम वर्क काफी अच्छा आपको ज्वाइन मिल सकता है, काफी चीजें आप कर सकते हैं, ये वाली चीजें दिखाई देती दे रही है। काफी अपने लाइफ में कुछ फ्यूचर में कुछ बड़ा काम करने की आपकी कोशिश जो है रहेगी, ये वाली चीजें आपको दिखाई देती दे रही है, मतलब अच्छी चीजें हो रही है। रिलेशनशिप वाइज काफी गुड, अच्छी एनर्जी। कहीं अगर कोई नया पार्टनर आती हुई एनर्जी दिख रही तो वो वाली एनर्जी नहीं, कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर है तो उनसे भी कम कम्युनिकेशन आपकी होगी। कुछ आप कुछ बड़े डिसीजन लेते हुए दिखाई देते दे रहे, ये सप्ताह में कुछ बड़े काम आपके होंगे, तो आप खास करके काम से लेके काफी बिजी दिखाई देते दे रहे, शेड्यूल काफी बिजी दिखाई देते दे रहा है। कहीं बाहर जा सकते ये वाली चीजें हो सकती, पर काम के रिगार्डिंग से आपकी चीजें रहेगी, तो ये वाली चीजें आपकी ये सप्ताह में हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जैसे कि आप अपने जो है अपनी दिल की बात सुननी है, सबसे पहली बात कि आपने अपने मन से चीजें करनी है, पॉजिटिव रहना है खास करके, एंड जो भी चीजें आपकी बहुत अच्छे तरीके से होगी, लोगों का सपोर्ट आपको काफी अच्छे तरीके से आपको मिलेगा, तो लोगों का सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है, तो ये चीजें आपको जो है एंजल सपोर्ट करती है। शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो रहेगा आपके लिए मीन राशि वाले। मीन राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह कैसे होने वाला है, ये सप्ताह की आपकी एनर्जी क्या होने वाली है, ये सप्ताह में आपके लिए क्या चीजें होने वाली है। तो ये सप्ताह में चीजें दिखाई देती दे रही कि आप कुछ चीजों को लेकर थोड़े से मूव ऑन करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि आपके लव कम्युनिकेशन से आप थोड़ा सा वहां से मूव ऑन कर सकते हैं। पैसे को लेकर चीजें ठीक दिखाई देती दे रही, अरेंज मैरिज के लिए शो होते हुए दिखाई देते रहे। घर पे अगर मैरिज के बाद चीजें चल रही तो चीजें आपकी हाँ करके चीजें हो सकती है। कुछ प्रेयर कर सकते, कुछ प्रार्थना कर सकते, कुछ मेडिटेशन कर सकते, ये वाली एनर्जी रहेगी। कुछ नई चीजों को लेके काम कर सकते, कुछ न्यू जॉब की कंडीशन ये टाइम में रहेगी। बिजनेस में है तो काफी रफ्तार से चीजें चल सकती है ये सप्ताह में, काफी आप शेड्यूल आपका काफी बिजी हो सकता है बिजनेस के लिए, बिजनेस काफी अच्छा चलेगा, बिजनेस काफी आपका अच्छा रहेगा, ये वाली चीजें आपकी ये हफ्ता के लिए हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं ये सप्ताह में। तो आपको कुछ चीजें ऐसी कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो भी डिसीजन आप लेंगे उसके लिए यस करके हैं। कुछ आपको कहीं ना कहीं से कुछ गाइडेंस मिलेगा, वो गाइडेंस से आप कुछ अपने काम को लेकर आगे बढ़ा सकते हैं, ये वाली चीजें आप कर सकते हैं ये सप्ताह में। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, एंड मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहती हूँ, साप्ताहिक राशिफल के साथ, मंथली राशिफल के साथ, एंड कुछ दिवाली के टिप्स आने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। एंड एनी टाइम आपको नोटिफिकेशन जो आती है उसके लिए आपने जो है बेल आइकन को क्लिक करना है, जिसके लिए आपको जो है ऑल नोटिफिकेशन मेरी जो है आती रहेगी, टिप्स आती रहेगी, एंड आपके पास वीडियो आती रहेगी कुछ ना कुछ न्यू चीजों को लेके। तो आप इसको प्लीज मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल को प्रॉब्लम से या फिर कुछ और चीजों के लिए प्रॉब्लम से, तो आप सारी चीजें जो है आप क्लियर कर सकते हैं कुछ उपाय से, तो ये उपाय आपको जो है काफी ज्यादा लाभदायक रहेंगे। मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।